पूरा नमस्कार शास्त्रीय काल सलाम वालेकुम है आप सभी लिसनर्स को, एक बार फिर से व्यूअर्स हो, लिसनर्स हो, चाहे किसी भी सोर्स से आप हमें देख रहे हैं, आप सभी लिसनर्स को एक बार फिर से तहे दिल से इस्तकबाल कर लेते हैं। तो देखा जाए, जबकि ये बहुत ही प्यारा सा रात्रि आ चुका है और किशोर कुमार जी के ऊपर आज हम जबकि फोकस करने वाले हैं और ये जो रात जो है किशोर कुमार जी के ऊपर हम लेकर के आए हैं, तो देखा जाए कुछ किशोर कुमार जी के बारे में हो जाए। तो किशोर कुमार एक बहुत ही मशहूर सिंगर थे, यानी कि प्लेबैक सिंगर थे और वो एक्टर भी थे और कंपोजर थे और वो प्रोड्यूसर भी थे और डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर भी थे। किशोर कुमार जी का जन्मदिन हुआ था 4th of August 1929 में और उसका जन्मदिन हुआ था खंडवाला इंडिया में और उसका इंतकाल हुआ 13th of October 1987 में मुंबई इंडिया में उनका इंतकाल हुआ। जाते जाते किशोर कुमार जी ने अपने अपने पीछे अपनी प्यारी सी बीवी को छोड़ गए योगिता बाली जी को और अपने दो प्यारे बच्चों को छोड़ गए अमित कुमार और सुमित कुमार जी को। तो ये थी कुछ प्यारी सी बातें किशोर कुमार जी के, और जबकि देखा जाए एक बार फिर से हम किशोर कुमार जी की यादें जो है वो ताज़ा करने आ गए हैं। कहते हैं कि ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी के करीब होता है, ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी के करीब होता है, प्यार खुद चल कर आ जाता है, प्यार अगर खुद ही चल कर आ जाता है जब कोई किसी के नसीब में होता है। जी हाँ दोस्तों साथियों, अगर आपके नसीब में आपका प्यार है वो जरूर से आ जाएंगे, पर देखा जाए किशोर कुमार जी तो हमसे बहुत दूर चले चुके हैं, इस दुनिया से रुखसत ले चुके हैं, फिर भी उसकी आवाज आज भी जिंदा है, हमारे बीच में मौजूद है। तो चलते एक बार फिर से किशोर कुमार जी की आवाज और यानी कि किशोर कुमार जी के जो प्रोड्यूस किया हुआ जो म्यूजिक है वो हम एक बार फिर से पेश करना चाहते हैं। तो वेलकम कर लेते हैं एक बार फिर से नोएल एंड्रोस जी को, आपको स्वागत कर लेते हैं स्टेज पर। Yeah!